गुड मॉर्निंग 11th क्लास, हम लेसन द ब्राउनिंग वर्जन की समरी देख रहे थे और द ब्राउनिंग वर्जन के बारे में हमने देखा था कि इसके जो लेखक हैं रेटिगन जो हैं, उन्होंने इस लेसन के द्वारा एक स्टूडेंट और एक टीचर की रिलेशनशिप, यानी एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच के संबंध को दर्शाया है। यह लेसन द ब्राउनिंग वर्जन नामक बुक से लिया गया एक अंश है, भाग है, और इसमें हम यहाँ तक देख लिए थे कि जो मिस्टर फ्रैंक हैं, साइंस के टीचर जो हैं, उनसे टेप्लो जो एक विद्यार्थी है उसकी बातचीत होती है, यहाँ तक हम देख लिए थे। उसके बाद टेप्लो और मिस्टर फ्रैंक के मध्य बात होती है अबाउट मिस्टर क्रोकर हैरिस, यानी उसके बाद उन दोनों के मध्य मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में बात होती है। टेप्लो मिस्टर क्रोकर हैरिस की नकल उतारता है। टेप्लो नामक जो विद्यार्थी है वो फ्रैंक के सामने, यानी विज्ञान के जो टीचर हैं उनके सामने इमिटेट करता है। इमिटेट करना यानी नकल उतारना, मिस्टर हैरिस की नकल उतारता है। कैसे नकल उतारता है, देखिए, वो कहता है कि मिस्टर हैरिस मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो मुझे बोलेंगे कि माय डियर टेप्लो। वो इस प्रकार मिस्टर हैरिस द्वारा कही गई बात की नकल उतारता है कि वो बोलेंगे आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। यानी टेप्लो कह रहे हैं कि अभी कुछ देर बाद मिस्टर क्रोकर हैरिस मेरा रिजल्ट सुनाएंगे और मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट सुनाने से पहले इस प्रकार वो बोलेंगे कि माय डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू, मैंने आपको दे दिया है एग्जैक्टली ठीक व्हाट यू डिजर्व, जिसके आप योग्य थे, डिजर्व करते योग्य, नो लेस, ना तो उससे कम दिया, सर्टेनली नो मोर, और ना ही उससे ज़्यादा दिया। यानी यहाँ से एक बात तो साफ है कि मिस्टर हैरिस बहुत ही ईमानदार टीचर हैं, थोड़े अनुशासित हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और जिस लाइक टेप्लो है उतने नंबर वो उनको दे देंगे। फ्रैंक जो विज्ञान के टीचर हैं, टेल्स टेप्लो, वो टेप्लो नामक विद्यार्थी से कहते हैं टू गो, कि आप चले जाओ एंड प्ले, और जाकर खेल लो गोल्फ। वो कहते हैं कि आप चले जाओ, मिस्टर हैरिस नहीं आने वाले, बेवजह आप उनका इंतज़ार क्यों कर रहे हो, आप चले जाओ और जाके गोल्फ खेलो। लेकिन टेप्लो भले ही अपने टीचर का उसने मजाक उड़ाया होगा ऐसे ही, लेकिन अपने टीचर के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है उसके मन में। ही रिप्लाइज ही कांट कट मिस्टर हैरिस। इसका अर्थ है कि
कि वो मिस्टर हैरिस की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते, यानी बिना उनकी अनुमति के मैं नहीं जाने वाला, ये टैपलो कहते हैं। मिस्टर और क्या कहते हैं वो, मिस्टर हैरिस यानी अपने टीचर के बारे में वो कहते हैं कि मिस्टर हैरिस इज़ नॉट ए सैडिस्ट। ये वर्ड अंडरलाइन करके अलग से लिख लेना, काम आएगा निकट भविष्य में। सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है, कहीं आप इसको सैड से जोड़ लें कि सैड उदास होता है, तो सैडिस्ट हमेशा उदास रहने वाला, गलत हो जाएगा। सैडिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ देने में आनंद महसूस करता है, यानी दूसरों को तकलीफ देने में जिसको खुशी होती है उसको कहते हैं सैडिस्ट। तो वो क्रोकर हैरिस के बारे में टैपलो कहते हैं, टैपलो अपने अध्यापक की प्रशंसा करते हैं कि ना जी मैं अपने अध्यापक की अनुमति बिना नहीं जा सकता, उनको वो सैडिस्ट नहीं है, उनको दूसरों को तकलीफ देखने में मज़ा नहीं आता, मेरे अच्छे अध्यापक हैं वो। यानी एक चीज़ और कहते हैं वो अपने अध्यापक के बारे में ही, वो क्या कहते हैं कि मेरे जो अध्यापक हैं सीम टू हेट पीपल, वो अध्यापक जो मिस्टर हैरिस हैं उनके बारे में कहते हैं कि मेरे अध्यापक में एक और गुण है कि वो कभी ये नहीं कहते कि लोग मुझे पसंद करें। देखिए, सीम टू हेट पीपल टू लाइक हिम, वो कोई व्यक्ति जो उसे मेरे अध्यापक को जाके कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो बोला है कि ये चीज़ उसको पसंद नहीं है, वो नहीं चाहता कि लोग उसके गुणगान करें, उसकी प्रशंसा करें। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैपलो जो है वो अपने अध्यापक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, हालांकि उसका अध्यापक कठोर स्वभाव का है, लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि ही लाइक्स मिस्टर क्रोकर हैरिस, कि वो क्रोकर हैरिस को पसंद करते हैं, ये बात यहाँ से स्पष्ट हो गई। और मिस्टर फ्रैंक अपनी चालबाजी में फेल हो जाते हैं, वो साइंस के अध्यापक क्रोक हैरिस के बारे में टैपलो को प्रलोभित करते हैं कि टैपलो क्रोक हैरिस की बात न माने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ एक बात और टैपलो बताता है किसके बारे में, क्रोकर हैरिस के बारे में। क्या बताता है, बताता है कि वन डे, एक दिन मेरे जो अध्यापक हैं मिस्टर हैरिस मेड वन ऑफ हीज क्लासिकल जोक, कि अपने पुराने जो जोक वगैरह हैं मजाक करते हैं वो उनके अध्यापक, और एक ऐसा ही मजाक उन्होंने एक दिन क्लास में किया, कोई नहीं हंसा, ओनली टैपलो लाफ एट इट, इस जोक पे केवल टैपलो हंसा, कोई और इसलिए नहीं हंसा क्योंकि मिस्टर क्रोकर हैरिस जब भी मजाक करते थे तो वो लैटिन भाषा में करते थे, और लैटिन भाषा बहुत हार्ड लैंग्वेज है, हर किसी को आती नहीं, वहाँ बैठे विद्यार्थियों तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब उन्होंने लैटिन भाषा में जोक है वो क्रैक किया था, यानी जैसे अभी क्लास के अंदर इंग्लिश में जोक किया जाए तो एकाधी बच्चा समझ पाएगा मुश्किल से। तो जब टैपलो हंसे तो जैसो जैसा क्रोकर हैरिस का स्वभाव है, ऐसा नहीं कि क्रोकर हैरिस बहुत खुश हो गया कि चलो टैपलो तो हंस रहे, उल्टा टैपलो को ही दिक्कत हो गई। वो क्या हुई कि ही रिक्वेस्टेड टैपलो, उसने टैपलो से निवेदन किया टू एक्सप्लेन इट, कि भाई आपको तो लैटिन भाषा समझ आने लगी, आप मेरे जोक पे हंस रहे हैं,
तो चलिए आप ही इसको एक्सप्लेन कर दें। जबकि टैपलो को समझ कुछ नहीं आया था, टैपलो तो ऐसे हंस रहा था, अब वो फंस गया। यही बात है उस अध्यापक को खास बनाती है कि उसको बढ़ाई नहीं चाहिए, वो पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, पनिशमेंट भी देता है, इसको दे रखा है आज बुला रखा है, एक्स्ट्रा काम करवाएगा फिर रिजल्ट देगा। तो क्रोकर हैरिस भले ही कितना भी अनुशासित हो लेकिन टैपलो उसको पसंद करता है, ये इस ब्राउनिंग वर्जन में दिखाया गया। और उसी समय एक और शख्सियत का अराइवल होता है, अराइवल ऑफ मिली क्रोकर। और उसी समय मिली क्रोकर आ जाती हैं, जो मिस्टर क्रोकर हैरिस की पत्नी है वो आ गई। अब टैपलो डर गया, उसको पता नहीं कि कहीं सारी बातें तो नहीं सुन ली मैडम ने, वो डर गया बेचारा। तो पॉइंट बन जाएगा मिली क्रोकर अराइव्स, वो आती हैं। कौन है वो? वाइफ ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस, मिस्टर क्रोकर हैरिस की पत्नी है, यंग है। थोड़ा अब उनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे हाव भाव है उनके, स्मार्टली ड्रेस और पोशाक बहुत ही समझदारी से चुनाव करती हैं, अच्छी पोशाक पहनती हैं वो। और क्या बताया गया है, उन्होंने वियरिंग एक कैप, एक टोपी भी पहन रखी थी। और क्या कर रखा है, कैरिंग और अपने साथ लेके आई थी ए शॉपिंग बास्केट, खरीदारी करते समय जो बास्केट काम में लेते हैं, टोकरा सा होता है, अंग्रेज़ लोग खूब काम में लेते हैं, पॉलिथीन वगैरह का प्रयोग नहीं करते, वो भी उन्होंने ले रखा है। आते ही उन्होंने उस बास्केट को अलग रखा और सबसे पहले ग्रीट्स, अभिवादन किया मिस्टर फ्रैंक का, साइंस के जो अध्यापक हैं उनका। शायद मिली ने वो पूरी बातें सुन ली कि लड़का बेचारा सुबह से यहाँ बैठा है और उनके हस्बैंड अब तक नहीं आए। लेकिन टैपलो को डर है, टैपलो डर गया बेचारा। टैपलो वंडर्स, टैपलो विचार करने लगा वेदर कहीं सी हियर्ड हिज कन्वर्सेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि अध्यापिका ने मिस्टर फ्रैंक के साथ उनकी पूरी बात सुन ली, क्योंकि वो मिस्टर फ्रैंक की नकल, मिस्टर फ्रैंक के आगे मिस्टर क्रोकर हैरिस की नकल भी उतार रहा था, तो थोड़ा डर सा लगा उसको। फिर इसके बाद बातचीत होती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है विद मिली क्रोकर, यानी अपने अध्यापिका से टैपलो की बातचीत शुरू होती है। बातचीत करने के बाद क्या बातचीत होती है देखिए, उसने आते ही पूछा मिली ने, मिली आस्क से टैपलो, अध्यापिका ने टैपलो से पूछा इफ ही हैज़ बीन वेटिंग, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं फॉर हीज हस्बैंड। उसने पूछा टैपलो विद्यार्थी से कि क्या आप मेरे पति यानी मिस्टर क्रोकर हैरिस का वेट कर रहे हैं। उसने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझे पहले बुला लिया और मैं अब तक बैठा हूँ। तो मिली ने बताया, टेल्स हिम डैट, उसे बताया कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं, मिस्टर क्रोकर
has been at the bursars. ध्यान से देखना, बर्सर का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो पैसे वगैरह की लेन देन का हिसाब किताब रखता है, खजानची, कैशियर, इसको कैशियर भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये शब्द भी आता है कैशियर। उन्होंने बताया कि वो तो कैशियर के पास जा रखे हैं, ये एच वी है और ये बीन मेन वर्ब, आप समझ गए होंगे शायद, यानी उनको तो टाइम लगेगा और भी, उन्होंने ये बताया क्योंकि उसने टेपलो की बातें सुन ली थी, अभी छोटा ही बच्चा है तो उसको दया आ गई और उसने क्या किया, टेक्स आउट ए प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है दवाई की पर्ची, आउट ऑफ द बास्केट, और अपनी बास्केट से एक दवाई की पर्ची निकाली और क्या कहा टेप्लो से, रिक्वेस्ट्स हिम, टेप्लो से निवेदन किया टू गो टू द केमिस्ट सो, कि आप दवाई की दुकान पे जाओ, टू ब्रिंग और लाना मेडिसिन दवाइयाँ, और घूम फिर के आ जाना आराम से। वो दवाई की दुकान पे भेजना एक बहाना है, वो चाहती है कि लड़का यहाँ बैठा बैठा बोर ना हो, घूम के आ जाए, तो वो टेप्लो जो है उसने मना कर दिया कि भाई मुझे तो अपने गुरुजी का डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो उनकी बात का सम्मान करता हूँ। तब मिस्टर क्रोकर हैरिस की जो पत्नी हैं वो, उन्होंने कहा एग्रीज टू टेक, वो सहमत हो गई किस बात पे, द ब्लेम, ब्लेम का अर्थ है दोष, इफ मिस्टर क्रोकर अराइव्स, उन्होंने कहा तुम जाके घूम के आ जाओ, यदि आपसे पहले आपके अध्यापक आ गए तो मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूँगी, मैं बोल दूँगी कि मैंने भेजा है, और उसके बाद टेप्लो लीव द प्लेस, टेप्लो उस जगह को छोड़ देता है, मतलब घूमने फिरने के लिए चला जाता है, और यहाँ ये पाठ हो जाएगा आपका ख़त्म। यानी कुल मिला के इस पाठ से आप यदि एक भाव को देखेंगे तो वो निकल के आएगा कि टेप्लो नामक विद्यार्थी ये दिखा देता है कि वह अपने गुरु का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है, उसके लिए अध्यापक से बढ़कर कुछ नहीं, हालांकि वो अभी अभी 10th पास कर रहा है और अभी वो 11th में जाएगा, साइंस वगैरह चुनेगा। तो मैसेज यही है पार्ट से कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हम 11वीं में जाएं, चाहे हम 12वीं में जाएं, चाहे हमारे 10वीं में 92% आए, चाहे 90 आए, गुरु जो है उसका महत्व है और उसका सम्मान कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कई बार देखता हूँ मैं, अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फ़ोन किए जाते हैं, आगे से विद्यार्थी खुद बोलता है, इधर से अध्यापक बोल रहा है, विद्यार्थी बोल रहा है गुरुजी को कि हाँ बोलो, गुरुजी बोल रहे हैं कि आपने वीडियो नहीं देखा, हाँ देख लूँगा, मैंने इस तरह बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि गुड मॉर्निंग सर या नमस्कार सर, ना कुछ नहीं। तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि आपके संस्कार क्या है, आपकी समझ क्या है। तो ऐसा कभी नहीं करना जीवन में कि आप से कभी किसी भी अध्यापक को तकलीफ हो, ऐसा कोई कार्य कभी करना ही नहीं है, चाहे आपके अंक 100 में से 100 आ जाएं और चाहे आपके अंक 100 में से 40 आ जाएं। टीचर के लिए रेस्पेक्ट आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए, या आप गांठ लगा लें कि हम जीवन पर्यंत ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करेंगे कि जिससे जो हमारा अध्यापक है चाहे वो कोई भी हो उसको तकलीफ हो। तो ये लेसन की समरी अपनी पूरी हुई, और इसके साथ ही मैं पिछला जो लेसन था द लाइंग प्लेनेट, उसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, और कल टेस्ट लिया गया था वो दोबारा जो नहीं दे पाए थे, तो वो कुछ
टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बाद में अपडेट हो पाया, तो आई थिंक शायद उसीलिए बच्चे उसको देख नहीं पाए। आज उसको मैं फिर डाल दूंगा नया टेस्ट बना के, तो आप उसको वही 7 से 7:50 वाला टाइम है, आप उसको कर लेना। आज मैं फिर नया टेस्ट उसमें डाल दूंगा। धन्यवाद।